सनातन धर्म में दशहरा क्षत्रियों का प्रमुख पर्व है। दीपावली वैष्णव व होली अन्य जनों के लिए विशिष्ट महत्व का पर्व है। रक्षाबंधन अर्थात श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को मनाया जाने वाला श्रावणी उपाक्रम ब्राह्मणों व द्विजों का सबसे बड़ा पर्व है। वैदिक काल से द्विज जाति पवित्र नदियों व तीर्थों के तट पर आत्मशुद्धि का यह उत्सव मनाती आ रही है। इस कर्म में आंतरिक व बाह्य शुद्धि हेतु गोबर मिट्टी भस्म अपामार्ग दुर्वा कुशा एवं वेद मंत्रों द्वारा किया जाता है। श्रावणी में दूध दही घृत गोबर गोमूत्र का प्राशन कर शरीर के अंतःकरण को शुद्ध किया जाता है। प्रतिवर्षानुसार प्राचीन वैदिक परंपरा को जीवंत रखते हुए ब्राह्मणों ने श्रावणी उपाक्रम किया। यह उपाक्रम प्रतिवर्ष श्रावण पूर्णिमा रक्षाबंधन वाले दिन होता रहा है। सोमवार को प्रातः गंगा तट का इलियाभाई घाट पर विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी विप्र समाज उत्तर प्रदेश एवं शास्त्रार्थ महाविद्यालय दार्शमेध के संयुक्त तत्वावधान में शुक्ल यजुर्वेदीय माध्यांकिनी शाखा के ब्राह्मणों द्वारा श्रावणी मनाई गई। पंडित विकास दीक्षित के आचार्यत्व में सर्वप्रथम गाय के गौमय गौघृत गौदुग्ध गौदधि तथा गौमूत्र मिश्रित पंचगव्य से स्नान तथा उसका पान किया गया। तदुपरांत भस्म लेपन किया गया। श्रावणी में अपामार के पत्तों एवं कुशा एवं दुर्वा का भी नियमानुसार प्रयोग किया गया। संयोजक शास्त्रार्थ महाविद्यालय के पूर्व राष्ट्रपति पुरस्कृत प्राचार्य डॉक्टर गणेश दत्त शास्त्री ने बताया कि श्रावणी उपाक्रम का आयोजन प्राचीन काल से ही नदियों तालाबों किनारे विधिपूर्वक ऋषियों मुनियों द्वारा किया जाता रहा है। कालांतर में धीरे धीरे यह पद्धति काफ़ी विकसित हुई और आज वर्ष में एक बार इस उपाक्रम को करने के लिए देश देशांतर में बैठे जनेऊधारी व्यक्ति काशी आते हैं और इस उपाक्रम को ग्रहण कर अपने को धन्य करते हैं। गंगा स्नान तथा तर्पण एवं आत्मशुद्धि क्रिया के पश्चात शास्त्रार्थ महाविद्यालय के सरस्वती भवन में सप्तऋषि पूजन किया गया, जिसमें उपस्थित सभी ब्राह्मणों ने सप्त ऋषियों का पूजन अर्चन कर वर्ष पर्यंत धारण करने वाले यज्ञोपवीत को अभिमंत्रित किया। उपाक्रम का संयोजन विप्र समाज के संयोजक व शास्त्रार्थ महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर पवन कुमार शुक्ला ने दिया। इस अवसर पर डॉक्टर गणेश दत्तशास्त्री ज्योताचार्य डॉक्टर आमोद दत्त शास्त्री डॉक्टर अशोक पांडे आचार्य विशाल औंडेकर विनय कुमार तिवारी गुल्लू महाराज दिनेश शंकर दुबे अवनीश पांडे सुट्टू महाराज डॉक्टर शेष नारायण मिश्र विजय द्विवेदी गणेश प्रसाद शुक्ल विकास महाराज अजय पांडे श्रेयांश दत्त शुक्ला दिव्यांश दत्त शुक्ला अनिरुद्ध शास्त्री सुनील शास्त्री आदि विद्वान सहित सैकड़ों द्विज ब्राह्मण शामिल रहे। साल भर तक हम लोग जो भी प्रायश्चित किए अनकिए कर्म करते हैं, जिस क्रिया से रहना चाहिए मनुष्यों के साथ समाज में, उस क्रिया में कुछ त्रुटि हो जाए, कभी बड़े का तिरस्कार हो जाए या छोटों को वंचना कर दी जाए, प्राणी मात्र से किसी भी प्रकार का संबंध विच्छेद हो जाए या प्राणी मात्र को हमारे कर्म या आचरण से कोई भी तकलीफ हो जाए, तो उन सब की निवृत्ति के लिए श्रावणी पर्व बनाया है। एक दिन के लिए यहाँ पर आ करके समस्त प्रायश्चित को निदान करके अनेक प्रकार की औषधियाँ और द्रव्यों से जो मंगल द्रव्य पहले से निर्धारित किए हैं जीवन में सब के लिए ऋषि मुनियों ने, उन्हीं से स्नान करके प्रायश्चित करते हैं। श्री राजस्थान ब्राह्मण मंडल काशी द्वारा भी मीरघाट पर श्रावणी उपाक्रम किया गया। इसके तहत गंगा में पंच द्रव्य से स्नान कर ऋषि पूजन व यज्ञोपवीत पूजन पाठ वेदमूर्ति शास्त्री ने कर श्रावणी उपाकर्म मनाया गया। इस अवसर पर पंडित वेदमूर्ति शास्त्री ने कहा कि गंगा में स्नान कर स्वयं को शुद्ध करते हैं, इसके बाद ऋषि व यज्ञोपवीत पूजन करना चाहिए, तभी श्रावणी उपाकर्म पूरा होगा। इस दौरान प्रमुख रूप से आचार्य राम गोपाल त्रिपाठी वेदमूर्ति शास्त्री जयप्रकाश सुनील शर्मा संजय गचोलिया आदि लोग उपस्थित रहे। शुद्धिकरण हो रहा है और अभी हम लोग श्रावणी करके वहाँ से आ रहे हैं मान मंदिर घाट से, उसके बाद यज्ञोपवीतन की पूजा सप्तऋषियों की पूजा के बाद अल्पाहार के संग समापन होता है।